प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में हैं, पुतिन और मोदी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा, सीधे ले चलते हैं। डेलीगेशन में मुझे आने का अवसर मिला और मैं स्मरण करता हूं कि आज जैसे मैं और राष्ट्रपति पुतिन पीछे खड़े थे, उस समय अटल जी और राष्ट्रपति पुतिन खड़े थे और मैं एक कुर्सी पर बैठ करके अष्टाखान राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा था। आज 16 साल के बाद फिर एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में मुझे राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आज शरीक होने का अवसर मिला है। हमारा ये और हमारे डेलीगेशन का यहाँ जो गर्मजोशी से स्वागत हुआ, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये हमारे संबंधों की मधुरता का एक प्रतीक है। फ्रेंड्स, इस वर्ष भारत तथा रूस अपने राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। संस्कृति से सुरक्षा तक हमारे संबंधों की भाषा समान है। जैसे कि रूसी भाषा में कहते हैं, मी गवारिम ना अदनोम याजिके, वी स्पीक इन वन लैंग्वेज। पिछले 7 दशकों के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल में यदि एक स्थिर सच्चाई है तो वह है भारत तथा रूस के बीच सशक्त संबंध। हमारे संबंधों का मूलभूत आधार आपसी स्नेह, आपसी आदर और एक दूसरे में अटूट मजबूत विश्वास। इस सशक्त आधारशिला पर हमारी सहभागिता तथा सहयोग का चहुमुखी विकास हुआ है। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों के विकास के संपूर्ण स्वरूप पर मैंने और राष्ट्रपति पुतिन ने आज विस्तार से बातचीत की है। संबंधों की वर्तमान गति को और तेज करना तथा इसके उज्जवल भविष्य के लिए एक एक्शन प्लान बनाने पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके मद्देनजर आज हमने सेंट पीटर्सबर्ग एक ऐलान एडॉप्ट किया है, डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया है। एक ऐसा डिक्लेरेशन जो कि न केवल दोनों देशों के आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता का विकास और मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि वैश्विक उथल पुथल में स्थिरता का एक बेंचमार्क साबित होगा। फ्रेंड्स, आज के इंटरडिपेंडेंट तथा इंटरकनेक्टेड विश्व में बढ़ते आर्थिक सहयोग संबंधों के विकास के महत्वपूर्ण ड्राइवर है। हमारे आर्थिक संबंधों में तीव्र प्रगति मेरा तथा राष्ट्रपति पुतिन का एक अहम साझा उद्देश्य है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम में भारत का गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल होना तथा मेरा इस फोरम में प्लेनरी में कल होने वाले वक्तव्य दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और समीप लाने का कारण बनेगा। इन्हीं प्रयासों के चलते द्विपक्षीय निवेश में काफी तीव्र प्रगति हुई है तथा हम 2025 तक 30 बिलियन यूएस डॉलर्स के निवेश के लक्ष्य की उपलब्धि के समीप है। आर्थिक संबंधों की गहनता का एक मुख्य आधार है एनर्जी कोऑपरेशन। न्यूक्लियर, हाइड्रोकार्बन तथा रिन्यूएबल एनर्जी इसके प्रमुख भाग है। मुझे खुशी है कि आज कोडनकुलम 5 तथा 6 के फाइनलाइजेशन द्वारा हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग और घनिष्ठ होंगे। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तथा रूस परस्पर लाभ से आगे तीसरे देशों से भी अपना सहयोग बढ़ा रहा है। हमारे व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संबंधों के विकास में
प्राइवेट सेक्टर का एक महत्वपूर्ण रोल है। इस संदर्भ में हम दोनों देशों के प्राइवेट सेक्टर्स को एक प्रोएक्टिव भूमिका के लिए निमंत्रित करते हैं। हमारा यह भी मानना है कि दोनों देशों के बीच अधिकाधिक फिजिकल तथा इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी भी आर्थिक संबंधों की मजबूती के लिए अनिवार्य। तो भारत और रूस ने एक साझा घोषणा पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दोस्ती और बग्गी होगी। दोनों देशों के बीच आज 5 समझौते हुए हैं, कल और ज्यादा उम्मीद है। खबरदार लेकर हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से हमले होते थे तो हम कड़ी निंदा करते थे। अब कड़ी निंदा का काम हमने पाकिस्तान को सौंप दिया है और अब करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना का है और कड़ी निंदा का काम पाकिस्तान का हो गया है। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना की आतंकवादी हरकतों का ऑपरेशन करने वाले सीरियल बदले की पॉलिसी पर चल रही है। आज पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी की तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 जवानों को वहीं पर ढेर कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना अब उसी मूड में है जिस मूड का ट्रेलर पाकिस्तान को 9 मई को दिखाया गया था, जब भारतीय सेना ने LOC पर नौशेरा में पाकिस्तान की पोस्ट और बंकर का नामो निशान मिटा दिया था। किसी भी हरकत की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, जिसका मैसेज आज राजौरी और पुंछ से पाकिस्तान को दे दिया गया, जहाँ गोलाबारी कर रही पाकिस्तानी सेना के 5 जवान भारतीय सेना ने मार गिराए। मैसेज साफ है कि अब कड़ी निंदा का काम भारत ने पाकिस्तान को सौंप दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुबह हुई गोलीबारी की कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग को लेकर भारतीय डिप्टी कमिश्नर को तलब किया। साफ है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना से मिल रहे मुंह तोड़ जवाब के बाद बिलबिल आ गया। जो हमारी आर्मी और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग CRPF और लोकल पुलिस, उनका डोमिनेशन टेररिस्ट की के ऊपर काफी हद तक इस वक्त बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने अप्रैल से मई के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक के बाद एक कायराना हरकतें की हैं, जिसमें आतंकवादियों की घुसपैठ से लेकर धोखे से भारतीय जवानों को मारकर सिर काटने वाली क्रूर हरकत और नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलाबारी, जिसमें 12,000 से ज्यादा नागरिक प्रभावित हुए। लेकिन मई से भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन पाकिस्तान शुरू किया उससे वो बिलबिला रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना के जनरलों को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ ही भारतीय सेना ने कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सप्लाई वाले आतंक को भी चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में 12 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। आज कश्मीर के सोपोर में भारतीय सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के उन 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जिन आतंकवादियों ने 24 घंटे पहले ही सोपोर में पुलिस वालों पर ग्रेनेड हमला किया था और जिसमें 4 पुलिस वाले घायल हो गए थे। दोनों टेररिस्ट को सरेंडर करने के लिए कहा गया और उनको अरेस्ट कराने के लिए कहा गया, लेकिन इट वाज रिटेलिएटेड बाय ए फायर, सो पुलिस आल्सो रिटर्न द फायर। एज ए रिजल्ट दीज 2 टेररिस्ट एजाज एंड बशारत गॉट एलिमिनेटेड। आज आर्मी चीफ बिपिन रावत भी श्रीनगर में सुरक्षा हालात और तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे। कश्मीर में सेना और सुरक्षा बल आतंकवादियों और उनके आकाओं को किसी भी हालत में बख्शने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी सेना के जनरलों को भी साफ मैसेज पहुंच चुका है कि एक आतंकी की हरकत भी बहुत भारी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को लगातार ऐसी चोट देनी पड़ेगी जो उसको बेचैन कर दे, जिसका दर्द लंबे वक्त तक पाकिस्तान को याद रहे, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकवादी आदतें आसानी से छूटने वाली नहीं हैं। कल हमने आपको काबुल में हुए ब्लास्ट के बारे में बताया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमने कल ही आपको बताया था कि वाटर टैंकर में विस्फोटक भरकर किए गए इस आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि काबुल के जिस सबसे हाई सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक जोन में यह हमला हुआ, वहां पर अंदर तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं होता। बिना किसी बड़ी एजेंसी की मदद के ऐसा आतंकवादी हमला नहीं हो सकता था।
आज अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी एनडीएस ने यह कह दिया है कि यह आतंकवादी हमला पाकिस्तान में पाले पोसे जा रहे आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क ने किया है और इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ है। आज तक से अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता सादिक सद्दीकी ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। According to the information released yesterday by NDS, the Afghan intelligence organization, they said that their primary investigation shows that the Haqqani network with direct help from Pakistan, namely ISI, is behind this attack. So that was the statement. काबुल ब्लास्ट के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने से भी मना कर दिया है। अफगानिस्तान से लेकर भारत तक पाकिस्तान हर जगह आतंक फैला रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान अपने एजेंट्स के जरिए आतंक फैलाने में जुटा हुआ है, लेकिन कश्मीर के उन लोगों को सोचना होगा जो पत्थर लेकर अलगाववादियों के लिए पावर डोज बन जाते हैं। तो अब खबरदार में हम पत्थर फेंक कर आतंकवादी बनने वाले और पत्थर तोड़ मेहनत करके आईएस बनने वाली पूरी की पूरी सोच का पूरा विश्लेषण करेंगे। देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुश्किल यूपीएससी की परीक्षा में इस बार जम्मू कश्मीर से रिकॉर्ड तोड़ 14 टॉपर हैं। ये कश्मीर में पत्थर वाली सोच पर करारा प्रहार करने वाली आईएस कामयाबी है। कश्मीर में कुछ पत्थर फेंकते हैं आतंकवादी तक बन जाते हैं, कुछ पत्थर तोड़ मेहनत करते हैं आईएएस बन जाते हैं। बस सोच का फर्क है, क्योंकि 32 साल के बिलाल भट्ट भी उसी कश्मीर से हैं, जिस कश्मीर को पाकिस्तान के एजेंटों ने पत्थर फेंकने और आतंक फैलाने की ऐसी पहचान बना दिया जिसमें बुरहान वानी जैसे आतंकी तो हीरो बन जाते हैं, लेकिन बिलाल भट्ट जैसे वो असली हीरो दिखाई नहीं देते जिन्होंने पत्थर तोड़ मेहनत के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अफसर बनने का सपना पूरा किया है। मेहनत तो बहुत की, ऐसा तो मतलब कोई सडन प्रोसेस तो है नहीं, चलता रहा। मैं सर्विसेज ज्वाइन करता रहा, रिजाइन करता रहा, और एक कंटिन्यूस प्रोसेस थी जो कि मैंने किया। लेकिन जो एक मन में एक चीज़ था कि आईएएस करना है, वो कहीं ना कहीं हमेशा खटकता था अंदर से। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने और हमेशा मुझे पॉजिटिवली मुझे बताया कि हो जाएगा आपका, आप प्रयास कीजिए। बिलाल भट्ट का एक ही सपना था, एक ही टारगेट था कि बस देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुश्किल परीक्षा को क्लियर करना। 3 बार पहले कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। नौकरियां मिलती रहीं, लेकिन मन में आईएएस बनने का ही सपना था। वो लखनऊ में बतौर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर काम कर रहे थे। 2 साल इंतजार करना पड़ा, फिर 4थी बार एग्जाम क्लियर किया तो टॉप 10 में आ गए। श्रीनगर में बिलाल के परिवार की मेहनत और मन्नत दोनों पूरी हो गई। को पता है कश्मीर में तो पढ़ने लिखने में मुश्किलात है ही। गांव में पढ़ा है पहले 2-3 क्लासों में, फिर यहाँ आ गया श्रीनगर। एक मैसेज हमारे फैमिली में है कि हम हार्ड वर्कर हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं। क्योंकि मेरे बाकी बच्चे डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टरी जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं, आप डिग्री करो, लेकिन और भी बहुत एवेन्यूज हैं। बिलाल के परिवार में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। इसी दिन का सबको इंतजार था। कश्मीर के हंदवाड़ा के गांव से निकलकर आने वाले इस परिवार ने बड़ी मेहनत की ताकि परिवार के हर बच्चे को सही रास्ता और सही मुकाम मिले और वो सब अपने सपने को पूरा कर सके, क्योंकि इस देश में मौकों की किसी के लिए कोई कमी नहीं है। बहुत पोटेंशियल है कश्मीर में, और कश्मीरी लोग अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, माहौल मिले, और उनको ऐसी तरह मिले, एक साजगार माहौल मिले, वो परफॉर्म भी करते हैं, शाइन होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा में कश्मीर की कामयाबी सबके चेहरे खिला देती है, क्योंकि ये कश्मीर में उस सोच को ध्वस्त करती है जो सोच कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर और बंदूक पकड़ाने को बढ़ावा देती है और इसे पाकिस्तान के एजेंट बने अलगाववादियों के लिए पावर डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको लगता है कि कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, यूथ हैं, लड़के हैं जो इधर आना चाहते हैं? हाँ, हर साल लड़के आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में, तो अच्छी बात है। जैसे हमारे शाह फैसल साहब भी टॉप किए थे, उसके बाद
लोगों ने एक्चुअली आना तो चाहते हैं, लेकिन चक्कर ये है कि इसमें लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक जो मिथ है कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है और नहीं हो सकता है, ज़्यादा कि नहीं हो सकता है, तो मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल हूँ कि एक एवरेज लड़का ये मिथ तोड़ सकता है। जम्मू कश्मीर से इस बार यूपीएससी को रिकॉर्ड 14 छात्रों ने क्लियर किया, जिसमें बिलाल भट्ट तो टॉपर की लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। इसके अलावा 39वीं रैंक लाने वाले जफर इकबाल, 115वीं रैंक लाने वाले बिस्मा काजी, 125वीं रैंक लाने वाले सुहेल कासिम मीर, 210वीं रैंक पर फैजल जावेद, 472वीं रैंक पर साकिब यूसुफ, इनाबच खालिक 604वीं रैंक, आयुषी वीरेन भगत, साहिल ढींगरा 917वीं रैंक। इसके अलावा आदित्य भारद्वाज और अखिल महाजन जैसे नाम जम्मू कश्मीर से यूपीएससी के टॉपर में हैं। ये फोर्थ अटेम्प्ट थी मेरी, तो ओवर द इयर्स आई हैव सीन सम सेटबैक्स आल्सो, बट हर बार जो उन्होंने कहा कि आप दोबारा मेहनत कीजिए जब तक, तो फाइनली जो आप सिलेक्शन हुई है, तो मैं ये कहूंगा कि काफी सपोर्ट रही है सबकी। श्रीनगर की छात्रा बिस्मा गाजी और उनके परिवार के लिए भी सबसे बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि बिस्मा ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्लियर कर लिया। बिस्मा का बहुत ही साधारण सा परिवार है, बिस्मा के परिवार के लिए खुशी बयां करना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि इनका जरूर, क्योंकि जिस तरह से मेहनत करती थी, रात पर पढ़ती थी, उस मेहनत के मतलब बेसिस पे मुझे पूरा यकीन था कि इनका जरूर क्वालिफाई होगा। बिलाल भट्ट हो या बिस्मा काजी, ये कश्मीर के उन परिवारों और छात्रों की पॉजिटिव सोच की पहचान है जो तमाम मुश्किलों और मुश्किल हालात के बीच भी पेन से अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। 2010 में यूपीएससी के टॉपर शाह फैजल से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 2015 में यूपीएससी के सेकंड टॉपर आमिर उल सफी और इस साल बिलाल भट्ट और बिस्मा काजी, और इस तरह से 14 कामयाब चेहरों तक पहुंच गया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक। यूपीएससी के इन टॉपर्स को देखकर हमें बिहार बोर्ड के भी टॉपर की याद आ गई, जिनके आज पूरे देश में चर्चा है। बिहार बोर्ड के आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार के बारे में काफी लिखा पढ़ा जा और सुना भी जा चुका है। गणेश कुमार को पिछले साल की बिहार बोर्ड की टॉपर रूबी राय का पार्ट टू बताया जा रहा है, जिन्होंने 24 साल की उम्र में समस्तीपुर के एक अनसुने कॉलेज से बिहार में 12वीं की परीक्षा में आर्ट्स में इस बार टॉप किया। उनका मुख्य विषय संगीत है, जिसके प्रैक्टिकल में गणेश को 70 में से 65 नंबर भी मिले हैं। गणेश कुमार ने आज तक के कैमरे पर अपने संगीत ज्ञान का सबूत भी दिया है। अंतरा क्या होता है, मुखड़ा क्या होता है, जानते ही होंगे आप? अंतरा और मुखड़ा जो है सो जब जोर से सुर ताल लिया जाता है, तो अंतरा उसको दोनों के बीच में जो गैप दिया जाता है, ये सब। मुखड़ा क्या होता है? मुखड़ा के संबंध में है कि इसका हम थोड़ा सा दिक्कत है। संगीत में मुखड़ा किसे कहते हैं, आपको मालूम होगा, कोई गीत गाते हैं तो? मुखड़ा जैसे मान लीजिए कि जब आदमी अपना सुर तल से गा रहा है, एक अच्छा से लय बनाते हुए अपना अच्छा से गा रहा है, तो उसको मुखड़ा कहते हैं। मुखड़ा नहीं, जैसे उसमें जो जो लय के लयबद्ध तरीके से गाया जाता है वही मुखड़ा। अच्छे से गा रहा है तो उसको मुखड़ा कहते हैं। जरा हारमोनियम पे अगर आप सारे गामा बजा के दिखाएं जरा हमें। सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा। कुछ जो आपको आता हो संगीत में, किसी तरीके का गाना भी हो, शास्त्रीय संगीत हो, कोई भक्ति संगीत हो, कोई फिल्मी गाना ही कोई हो। हम जिस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। राम नारायण बाजा बजाता, जिस धुन में तुझको लगाता, राम नारायण बाजा बजाता। दिल जान जिगर तुम पे निसार किया है, प्यार किया है रसनम, प्यार किया है, प्यार किया है रसनम, प्यार किया है। दिल जान जिगर तुम पे निसार किया है, प्यार किया है रसनम, प्यार किया है। खबरदार में हम रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए लौट कर आएंगे तो पाकिस्तान से आए उस वीडियो का विश्लेषण करेंगे, जिसमें पाकिस्तान का एक मशहूर टीवी एंकर महिलाओं के हक के आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है।
बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।